Six months ago, my husband and I had a baby. जिला अस्पताल के नवनिर्मित निर्मित भवन में बीस फरवरी को हुई आगजनी के मामले में सिविल सर्जन को दोषी मानने और नोटिस जारी कराने के मामले में जैसे ही कलेक्टर अभिप्रसाद से मीडिया कर्मियों ने जवाब मांगा कि अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई तो कलेक्टर साहब कैमरा देख भागते नजर आए और वह सिर्फ ये कहते रहे की मीडिया तो चला रहा है की जिला प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है इस मामले में वह कुछ भी नहीं कह सकते कटनी जिले के कलेक्टर अभिप्रसाद जो कि सभी विभाग की खबरें और योजनाओं की खबरें मीडिया तक पहुंचाने के लिए पीआरओ के अलावा अपने पास जिले के बीआरसी और नगर निगम के पीआरओ समेत खबरों को लिखने के लिए एक प्राइवेट व्यक्ति को रखते हैं। वह जहां जहां कार्यक्रमों में जाते हैं वह सभी कलेक्टर साहब की फोटो अपने मोबाइल में ले मीडिया को सूचना देने वाले मध्य प्रदेश के पहले कलेक्टर बन चुके हैं मध्य प्रदेश में इस तरह के कलेक्टर और कहीं नहीं है वहीं जब जिले में इतनी बड़ी आगजनी जैसी घटना पर वह सिर्फ अपने पास जिले के बी और नगर निगम के पी समेत खबरों को लिखने के लिए रखे एक प्राइवेट व्यक्ति से सिर्फ अपनी फोटो के साथ नोटिस देने और कार्यवाही चलाने की खबरें ही प्रकाशित कर रहे हैं लेकिन जब मीडिया कर्मी ने खुद इस पूरे मामले में जांच की समय सीमा कब तक है और यदि समय सीमा गुजर चुकी है तो कार्यवाही क्या हुई इस मामले में जानकारी लेनी चाहिए तो वह मीडिया के कैमरे को देखकर कुछ भी कहने से कतराते नजर आए दरअसल जिला अस्पताल के नए भवन के प्रथम तल में स्थित प्रसव कक्ष में 20 फरवरी की रात को आग लग गई थी और इस मामले की जांच के बाद प्रतिवेदन कलेक्टर को भेज दिया गया था प्रतिवेदन में आगजनी की घटना के लिए पूर्ण रूप से सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा को दोषी माना गया है कलेक्टर रवि प्रसाद ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा था जिसकी समय सीमा भी बीत चुकी है लेकिन आज तक जिला प्रशासन सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा पर कार्यवाही करने की बजाय सिर्फ इस मामले में जांच चलाने की बात कहते नजर आ रहे हैं और पूरा मामला ठंडे बस्ते में जा रहा है बीबीसी के लिए कटनी से ब्यूरो हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट वो जो अस्पताल में सर पाया वाली सर अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है जबलपुर का भी कांड हो गया अब आपने लिखी थी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है आपके बाइट ले रहा है अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999